नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नवनिर्मित इंदौर खंडवा इच्छापुर फोर लेन हाईवे के जोर शोर से चल रहे कार्य को। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ भोजाखड़ी गांव में। आपने भोजाखड़ी गांव का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इस गांव में बहुत ही पुरानी और बहुत ज़्यादा फेमस दरगाह हुआ करती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस हाईवे की वजह से दरगाह को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ों की छाया भी हुआ करती थी, दुकानों की रौनक भी हुआ करती थी। दोस्तों, अब मैं आपको भोजाखड़ी से छिगांव मक्खन की ओर ले चलता हूँ, और इस हाईवे के पहले चरण में कितना काम हो गया है यह दिखाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं बाइक पर हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस फोर लेन हाईवे पर सफ़र करने पर। ना कोई ट्रैफिक का झंझट, ना ओवरटेक की जल्दी। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा इस पुराने वाले रोड पर कितने एक्सीडेंट हुआ करते थे। इस रोड को किलर रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में यह रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात से कम नहीं होगा। जहां इस रोड पर लोग आने से डरा करते थे, वहीं अब इस रोड पर लोग सफ़र का लुत्फ़ उठाने के लिए आया करेंगे। दोस्तों, इस फोर लेन हाईवे के सभी पांचों चरणों में काम शुरू हो गया है। साथ ही नर्मदा नदी पर एक बहुत ही सुंदर मगरमच्छ की आकृति वाला पुल भी बनाया जा रहा है। सिमरोल के पास भैरू घाट पर दो टनल भी बनाई जा रही हैं। भौर कुआं से तेजाजी नगर तक का काम इंदौर नगर निगम के द्वारा लगभग पूरा हो ही चुका है। दोस्तों, देखते रहिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।